हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन अ लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर एंड अ डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द मटेरियल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन एज 1.3 अच्छा लेंस मेकर फार्मूला कहता है कि 1 बाय एफ जो होता है वो होता है म्यू 1 1 बाय 1 बाय ठीक है भाई इजी समझ में

करेक्ट अब मुझे पता है कि इस केस में जब एयर का केस है तो क्वेश्चन के अंदर कन्वर्जिंग बोला है यानी एफ बी पॉजिटिव है यानी इसकी वैल्यू कितनी है यह भी पॉजिटिव होना चाहिए अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी यानी म्यू की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन वन ये तो समझ में आ गया बेस्ड ऑन एयर वाली केस अब बात करता हूं मैं कौन सा वाला जब मैंने इसको किसी लिक्विड में रखा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी थी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी वन पॉइंट थ्री वन सॉरी लिक्विड क्या वाटर ही है ये तो अपना तो रिफ्रैक्टिव लिफ, इंडेक्स वन पॉइंट थ्री थी तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या बदलाव आएंगे यहाँ पे एक रिलेटिव टर्म आ जाएगी ये रिलेटिव टर्म क्या होता है ये रिलेटिव टर्म कुछ नहीं होता म्यू ऑफ ग्लास अपॉन या म्यू ऑफ लेंस अपॉन वन पॉइंट या म्यू ऑफ सराउंडिंग यही होता है लेकिन इस बार ये वाली वैल्यू नेगेटिव है और फोकल लेंथ नेगेटिव है ये वाली वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव है इसका मतलब इस वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा इसका मतलब म्यू अपॉन वन पॉइंट थ्री माइनस ऑफ वन को नेगेटिव होना पड़ेगा यानी म्यू की वैल्यू लेस देन वन पॉइंट थ्री होगी बताओ भाई यानी म्यू की वैल्यू वन से तो बड़ी है बट वन पॉइंट थ्री से छोटी है यानी अगर इन दोनों को एक साथ लिखने का मन हो मेरा तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो गलत तो नहीं होगा ठीक है चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं इक्वल टू यूनिटी गलत बात इक्वल टू वन पॉइंट थ्री थ्री ये भी गलत बिटवीन यूनिटी एंड वन पॉइंट थ्री थ्री यस ग्रेटर देन दिस नो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल द बेस्ट